दोस्तों हॉलीवुड मूवी में सर्वाइवल और स्लैशर मूवी को मानो बरसात होती है। ये हर वीकेंड कोई ना कोई सर्वाइवल मूवी या फिर स्लैशर मूवी रिलीज कर ही देते हैं। ठीक ऐसे ही आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी में आप स्लैशर और सर्वाइवल एक्टिविटी दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ डोंट मूव मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। मूवी की प्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्लीन है और इस मूवी को चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है कैसी से, जो कि आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर चढ़ती है, लेकिन वहीं पर एक स्ट्रेंजर से उसकी मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में कैसी को पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर एक्चुअल में एक साइकोपैथ है। वो स्ट्रेंजर कैसी के बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिससे कैसी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो अपनी उंगली को भी हिला नहीं पा रही होती है, लेकिन दोस्तों कैसी जो कि अपनी उंगली को भी नहीं हिला पा रही होती है, वो किस तरह इस साइकोपैथ के हाथ से सर्वाइव करती है यही दिखाई गई है इस पूरे मूवी में। मूवी की प्रेजेंटेशन दोस्तों ऑसम है। मूवी में आप अच्छा खासा स्लैशर एक्टिविटी आप एंजॉय करने वाले होते हैं। मूवी में हल्की फुल्की फाइट ऐड की गई है और मूवी की एंडिंग आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। मूवी में आप अच्छा खासा सर्वाइवल एक्टिविटी भी देखने वाले होंगे। साफ तौर पर कहा जाए तो दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, जो कि आपका दिल पूरी तरह से जीत लेगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.8 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये मूवी रही मेरे लिए सच में काफी हद तक अच्छी। मूवी ने मुझे एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोर नहीं किया। और बाय द वे मुझे सर्वाइवल और स्लैशर एक्टिविटी वाली मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और ये दोनों ही चीजें इस मूवी में भर भर कर डाली गई है। इस मूवी में एटलीस्ट आप सर्वाइवल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले होते हैं। और दूसरी तरफ एक साइकोपैथ जो उस लड़की को क्यों मारना चाहता है, ये भी अच्छा खासा मिस्ट्री क्रिएट करती है इस मूवी में। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों ये मूवी वो तो जरूर देखें जो कि सर्वाइवल और स्लैशर मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आप इस मूवी में भरपूर एंजॉय करने वाले होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।